हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता सिंह ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? सबने खाना खा लिया रात को? बाबू लोग तो मेरे यहाँ खा लिए, हम लोग नहीं खाए हुए क्योंकि इसका पापा भी ड्यूटी से नहीं आए हैं। लाइट कट गया, अंधेरा है तो लाइट जला है, सोचे थोड़ा सा आप लोग से बात कर लें। आज मेरे यहाँ ज़्यादा कुछ तो नहीं बना है, रोटी और सब्जी बना है लौकी का, और ज़्यादा कुछ नहीं बना है। और चटनी बनाए थे दाल बादाम भूज करके, हम बाबू लोग तो नहीं खाता है तो हम लोग खाएंगे, क्योंकि बहुत दिन से मन कर रहा था चटनी बनाने का, तो बनाया है। हम लाज मौका है, खा लेंगे। देखते हैं कब तक लाइट आता है, पूरा अंधेरा हो रहा है, क्या कर सकते हैं। तो बोले कोई काम नहीं है तो आप लोग से बात ही कर लें, ऐसा अच्छा लग रहा है पल पल के लाइट में। पता नहीं आप लोग को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। इसी तरह ब्लॉग आप लोग बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। लाइट आ गई है, बहुत अंधेरा लग रहा था तो उसी में स्टार्ट कर दिए। पता नहीं आप लोग अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। नींद लग रहा बहुत ज़्यादा, क्या सुबह ही उठे थे, बाबू की स्कूल था, नींद आने लगता है, टाइम हो जाता सोने का, तो 10 बज गया। देख रहे हैं आप लोग घड़ी में, आप लोग को नहीं दिखेगा, अगर दिख रहा है तो देख, जैसे सबको कोई पास तो मोबाइल और घड़ी तो रहता ही है, आप लोग देख लेंगे। देख रहे हैं हल्का हल्का खांसी हो रहा है, तो दवाई है, पिएंगे आराम हो जाएगा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है उसके चलते हो सकता है हुआ होगा। ताकि हम लोग बताए थे, हम वीडियो डाले हुए थे तो, कि थोड़ा तो ज़्यादा ही कपड़ा धोए तो ज़्यादा लेट तक भींगे रहने से हो सकता है खांसी, सीजनेबल तो होता ही है। मेरे यहाँ बाबू को नींद नहीं आ रहा है क्योंकि पापा को वेट कर रहा है, पापा आएंगे तो सोएंगे, खाना खा लिए, बहुत समझा कर खाना खाया है, ये तो पापा के बिना खाना नहीं खाता है। पता नहीं पापा कहीं चल जाएंगे तो कैसे रहेगा ये, जिस दिन कहीं जाने पड़ता है गांव जाने, तो रो रो के इसका बुरा हाल होता है, क्योंकि सब दिन आदत है पापा के साथ रहने का, खाने का, सोने का, सब दिन पापा ही सुलाएंगे, कहा मम्मी से कोई मतलब है नहीं, तो पापा रहेंगे तो पापा को ज़्यादा खोजता करता है। ऐसे भी जो इंसान ज़्यादा दूर रहता है ना उसको उतना पसंद करता लोग, तो पापा के साथ ही सोना है, खाना है, रहना तो मेरे साथ ही दिन भर है, लेकिन पापा सबको, दोनों बच्चे मेरे यहाँ पापा को खोजता है, पापा आएंगे तो खाना खाएंगे, पापा आएंगे तो जाएंगे, ऐसे निकली। और आप लोग बताएंगे आप लोग घर में किस तरह लौकी की सब्जी बनती है? लौकी सब्जी तो बहुत तरह से बनता है, चना डाल के, दाल डाल के, मसाला डाल के, थोड़ी सिंपल भुजिया बनाए थे तो जीरा फोरन डाल के, तो उसमें मिर्ची काट दिया था एक ठो, हमको अच्छा लग रहा था, लौकी बहुत अच्छा था, ताज़ा था, तो भूजते भूजते ही अच्छा हो गया भुजिया, अच्छा लग रहा, मीठा मीठा लग रहा। और मसाला डाल के नहीं बनाए, हमेशा मसाला कितना खाना, और अभी लौकी मसाला अच्छा लगता भी नहीं है, अभी अब ठंडा सीजन आ गया तो बहुत सारा सब्जी खाने मिलेगा टेस्टी टेस्टी। अब मार्केट में जाने से रंग बिरंगी सब्जी दिखता है बाजार में, शिमला मिर्च है, बीन्स है, गाजर है, मटर है, तो अच्छा लगता है। अभी से 2-3 महीना तो अच्छा ही लगता है, उसके बाद फिर समय वही हो जाता है, क्योंकि अभी तक तो मार्केट में सब्जी आया नहीं, वो सब्जी बीन्स आया था थर्सडे को, तो देखे इतना मोटा मोटा था, इतना बीजा था, और अभी सीजन जैसे आएगा तो पतला पतला बीन्स मिलता है तो उसका अच्छा लगता है। मिक्स सब्जी ज़्यादा ही अच्छा लगता है, उसको भुजिया भी अच्छा लगता है, सब्जी अपना अपना पसंद है, इसको जैसे बनाया जाए। ठीक है, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। थोड़ा सा कुछ काम था तो चले गए थे, इसलिए आप लोग में ब्लॉग में बने रहिए। क्या बात करने के लिए समझ में नहीं आता है, रोज रोजते की बात घर का, क्योंकि जा तो नहीं पाते कहीं, मोबाइल लेके शूट नहीं कर पाते, क्योंकि गाड़ी चला के नहीं सब पड़ता है, क्योंकि गाड़ी अगर चलाते हैं तो साथ में एक आदमी चाहिए, तो
अकेले में नहीं होता करता, इसीलिए बाहर के सूट नहीं कर पाते, नहीं तो रोज़ तो जाना ही रहता है। कोशिश करते हैं कि लेके जाए सूट करें, लेकिन अभी स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे दूर कहीं जाएंगे तो सूट करेंगे, आप लोग को दिखाएंगे। ऐसे तो रोज़ तो जाना आना है ही, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ जाते रहते। ठीक है, इसी तरह आप लोग वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगता है। आप लोग इतना सारा प्यार दे, इसी तरह मेरे ब्लॉग में बने रहिए। आप लोग इतना ढेर सारा प्यार लग करके दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है, इसके लिए थैंक यू। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट, कल मिलते नए ब्लॉग के साथ।